नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ई टू द पावर एक्स इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स इनटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते कुछ बच्चे तो पहचान गए होंगे, ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट, देखो यहाँ प्लस के साइन से इसको स्प्लिट कर लो, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए कोई डाउट है? क्योंकि अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स का वापस से एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और ऊपर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही तो आ जाएगा। तो ये वाले साइन से हमने इसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि इस पूरे में डिवाइड लगा रहा था कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हमने 1 के नीचे भी लिखा और फिर प्लस लगाया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के नीचे भी हमने कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इन द ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को, जैसे एम स्क्वायर को एम इंटू एम लिखते हो वैसे कॉस स्क्वायर को आप कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अगर आप लिख दोगे तो आपको दिख जाएगा कि कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन। अब आप लोगों को याद है कि टैन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि टैन हो गया आपका क्या? एफ ऑफ एक्स और सेक स्क्वायर हो गया क्या? एफ डैश ऑफ एक्स। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर आप इसको लिख लोगे तो आपको दिख जाएगा e टू द पावर x इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स को पहले लिख दो, यानी कि टेन एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स को आपने बाद में लिख दिया, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा क्या? इसका आंसर आएगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? टेन एक्स है, तो टेन एक्स प्लस सी। पूरा अगर सॉल्व करोगे तो e टू द पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, तो e टू द पावर x इंटू टेन एक्स डी एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर, तो ई टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ बाय पार्ट्स लगा दोगे, टेन को फर्स्ट और ई टू द पावर एक्स को हमेशा सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी एक्स ऑफ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x into integral of second function और पीछे ऑपरेटर dx लगेगा और फिर प्लस जो यहाँ पर लिखा है उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, e की पावर x into sec square x dx। ओके, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 10x into e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव sec square x into e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x और यहाँ हो गया dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास क्या? ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस सी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप चाहते हैं अगर एग्जाम में प्रॉपर्टी लगा कर, मतलब ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा और सीधे आंसर दे दीजिएगा तब भी करेक्ट हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ओके, कर लीजिए।